वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल फंक्शन लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने प्राइमर के लिए स्टे क्विकी का ऑयल प्राइमर यूज़ किया है अपने चीक्स पे, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। उसके बाद मैंने आई एम्स्टरडैम का प्राइमर अपने टी जोन पे लगा दिया है। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज को फिल कर दिया है। मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है। अब मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर दिया है। स्विस ब्यूटी के कंसीलर से मैं आईब्रोज को फ्रेम कर दे रही हूँ। ये बिल्कुल मेरे स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और अब मैं NYB के कंसीलर से आई बेस बनाने के बाद स्विस ब्यूटी की विंकी पैरेट से एक ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसे अपने आउटर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। तो इसे मैंने पूरे अपने लिड पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ मैंने सिर्फ पूरा मेकअप में एक कलर का ही इस्तेमाल किया है, मतलब वन कलर लुक रहेगा। तो यहाँ ब्राउन शेड फैमिली लिया है मैंने। अब मैंने यहाँ शिमरी शेड लेके और इनर कॉर्नर से सेंटर तक में उसे ब्लेंड कर दिया। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का ब्राउन लाइनर लिया है और एक थिन लाइनर मैंने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मैंने आईलैश को कर्ल कर लिया है। मस्कारा से मैंने अपने आईलैश को मस्कारा कर लिया। का फाउंडेशन लिया है और इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर दिया। नेक्स्ट मैंने कंसीलर से अपने हाइलाइटेड पॉइंट पे कंसील कर दिया है और उसे सेट करने के मैंने लैक्मे रोज पाउडर से उसे। तो ये मेकअप बहुत ही सिंपल है, कोई भी आसानी से कर सकता है। 15-20 मिनट लगेंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पे कंटूरिंग के लिए स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट से अपने फेस को मैं कंटूर कर रही हूँ। इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यहाँ मैं नोज की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने ब्लश के लिए सेम पैलेट में से पिंक शेड को ले लिया है और उसे अच्छे से अपने चीक्स पे ब्लेंड कर दिया। लगभग ये मेकअप पूरा स्विस ब्यूटी के ही प्रोडक्ट्स है, तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने अपने आईब्रो बोन पे हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर लिया है सेम पैलेट में से, उसे भी मैंने अच्छे से हर जगह ब्लेंड कर दिया है। तो मैंने यहाँ हर प्रोडक्ट को बहुत कम यूज़ किया है, उससे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। नेक्स्ट मैंने नीचे अपने लोअर लैशेस पे सेम जो शिमरी शेड था उसे लेके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने एक लाइट पिंक शेड लिया है और उसे अपने आई के इनर कॉर्नर पे लगा दिया है।
और यहाँ पे मैं लोअर लैश को मस्कारा लगा रही हूँ उस पर। अब मैंने यहाँ NYBA की वाइट पेंसिल लिया है और इसे अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ। ये पेंसिल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लगाती हूँ लेकिन ये ख़त्म हो जाता है उसी टाइम। अब मैंने यहाँ लिपस्टिक के लिए स्विस ब्यूटी के ऑल अबाउट लिप पैलेट लिया है और उसमें से एक ब्राउन शेड लगाया, लास्ट में सेटिंग स्प्रे से कंप्लीट कर दिया लुक। तो अब ये मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप लोग को ये लुक कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।